आज मैं इस वीडियो के अंदर पुर्तगाल और इमिग्रेशन में जो लेटेस्ट चेंजेस आई हैं उसके ऊपर बात करूंगा अस्सलाम वालेकुम मैं एहसान खालिद सीओ साद एहसान आज मैं इस वीडियो के अंदर पुर्तगाल में रिसेंटली जो इमिग्रेशन के अंदर कुछ चेंजेस आई हैं वो आपके साथ शेयर करूंगा जो कि गोल्डन वीज़ा से सच रेलिवेंट नहीं है लेकिन मैं चाह रहा हूँ कि मैं अपने व्यूअर्स को अपडेट करूँ कि पुर्तगाल के अंदर जो अभी लेटेस्ट गवर्नमेंट ने इमिग्रेशन के अंदर चेंजेस किए हैं वो क्या हैं एक पुर्तगाल की इमिग्रेशन में एक आर्टिकल था 88, 89 जिसमें यह था कि कोई भी जो अपलिकेंट है वो पुर्तगाल में लीगल या इन लीगल एंटर होता है तो वो जाके अपनी एप्लीकेशन सबमिट करवा सकता था कुछ डॉक्यूमेंट्स के साथ कि अगर उसके पास वहाँ पर जॉब ऑफर है या उसके पास वहाँ कॉन्ट्रैक्ट मिल जाता है किसी भी कंपनी से उसके पास रेजिडेंस का प्रूफ है पुलिस कलेक्टर सर्टिफिकेट है लोकल एड्रेस का प्रूफ है तो वो अपनी अप्लीकेशन सबमिट करवा के वहाँ की रेजिडेंसी ले सकता था उसको वहाँ सिक्स टू ट्वेल्व तो मंथ्स तक अपना टैक्स देना पड़ता था लेकिन वो अल्टीमेटली उसको वहाँ का रेजिडेंस जो है कार्ड मिल जाता था पुर्तगाल एक हैवन है बेसिकली फॉर इमिग्रेंट्स वहाँ पर और भी बड़े सारे प्रोग्राम्स हैं जो कि आप ऑप्ट करके वहाँ की इमिग्रेशन ले सकते हैं बगैर इन्वेस्टमेंट के भी जिसमें डी टू वीज़ा है लाइक अगर आप वहाँ पे कोई भी कंपनी बनाते हैं और बना के उसको रन करते हैं तो आप वहाँ की इमिग्रेशन ले सकते हैं एक डी सेवन वीज़ा है जिसकी जिसको पैसिव इनकम वीज़ा कहते हैं आप वो भी ले सकते हैं एक नॉर्मल डिजिटल वीज़ा है तो इस तरह से जो जब सबसे जो पॉपुलर उनका जो प्रोग्राम था वो आर्टिकल एटी एट था जो कि उन्होंने बिल्कुल रिसेंटली कल गवर्नमेंट ने अचानक जो है उसको क्लोज करने का ऐलान कर दिया पार्लियामेंट के अंदर वो बिल भी पास हुआ और उसके बाद प्रेजिडेंट ने उसको साइन कर दिया तो अब वो कोई भी जो है जैसे अगर आप पुर्तगाल में नहीं भी हैं तो एप्लीकेशन को सबमिट कर सकते थे अब इस तरह से आप इस अपल्लीकेशन को सबमिट नहीं कर सकेंगे लाइक like, अभी वो जो प्रोग्राम है उसमें फर्दर चेंजेस लेके आ रहे हैं इससे दो तीन चीज़ें जो इंपॉर्टेंट हैं पुर्तगाल की इमिग्रेशन के अंदर वो मेरा ख्याल होंगी जिसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट है कि अभी कोई भी अपलिकेंट फर्दर आर्टिकल 88, 89 में अप्लीकेशन तो सबमिट नहीं करवा सकेगा लेकिन अगर उसके पास जॉब कॉन्ट्रैक्ट होगा तो वो पुर्चुगीज़ एम्बेसी से प्रॉपर अपनी अप्लीकेशन सबमिट करवाएगा उसके पास जॉब ऑफर है लाइक वर्क परमिट है तो तब जाके वो अपनी जो है वहाँ पर रेजिडेंसी ले सकता है इसमें कुछ जो है मेरा कि बेनिफिट भी होगा अप्लीकेंट्स को वो ये होगा कि पहले एक बड़ी लंबी क्यों थी हर तरह से लोग अगर पुर्तगाल में नहीं भी हैं तो अपनी एप्लीकेशन को सबमिट करवाते थे और अपनी इमिग्रेशन अप्लाई करते थे जिस वजह से पुर्तगाल के कंट्री के अंदर जो है बहुत बड़ा बैकलॉग बन गया था और लोगों के जो बारी नहीं आ रही थी दो साल लग जाते थे ढाई साल लग जाते थे उनको रेजिडेंस परमिट नहीं मिलता था उस बैक लॉग को ख़त्म करने के लिए गवर्नमेंट ने जो रिसेंट चेंजेस किए हैं कि अब जो भी है वो पुर्तुगज एम्बेसी के थ्रू प्रोसेस होकर अपलीकेशन जाएगी जब वो अपलीकेशन अप्लाई करेगा उसको वीज़ा मिलेगा यहाँ से और साथ ही उसको फिंगरप्रिंट की अपॉइंटमेंट भी मिल जाएगी तो पहले जो अपलिकेंट्स हैं उनको साल डेढ़ साल दो साल तक वेट करना पड़ता था लेकिन अब जो है वो अभी डायरेक्ट एम्बेसी से वो अपॉइंटमेंट लेके ही जाकर अप्लाई करेंगे तो इस वजह से जो बैकलॉग है पुर्तगाल के अंदर वो भी ख़त्म हो जाएगा जिसका जो एडवांटेज है वो दूसरी कैटेगरीज इमिग्रेशन की वहाँ पर एग्जिस्ट करती हैं उनको बहुत ज़्यादा होगा अगर आप इस बारे में किसी तरह की फर्दर इन्फॉर्मेशन लेना चाहते हैं तो साथ एसान से कॉन्टैक्ट करें थैंक यू